24 अप्रैल को 5वीं गुजरात छात्र सांसद कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर आज सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद का आयोजन कर इस मामले में जानकारी मुहैया करवाई गई है। जीरो आवर फाउंडेशन की ओर से छात्र सांसद और पारो यूनिवर्सिटी के सहयोग से 24 अप्रैल को 5वीं गुजरात छात्र सांसद कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर आज कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी मुहैया करवाने के आशय से सर्किट हाउस पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। दरअसल इस पत्रकार परिषद के दौरान स्थापक प्रमुख कृणाल शर्मा की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि गुजरात के 15,000 युवा इस कॉन्क्लेव के तहत उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा इस कॉन्क्लेव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, पहली महिला IPS किरण बेदी, भारतीय फिल्म निर्देशक शकुन बत्रा समेत विभिन्न क्षेत्र के महानुभावों की भी उपस्थिति रहेगी। इस बार जीरो आवर फाउंडेशन अपने 7वें साल में है। कोविड के दौरान हम लोग छात्र संसद का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही हम लोग आए 5th गुजरात छात्र संसद के साथ, ये पूरे गुजरात की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा युवा जुड़ने वाले गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट लिस्ट हम लोग लेके आने का प्रयास किया है, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे पास गेस्ट्स है। संसद और छात्र बनाएंगे सुरक्षित राष्ट्र, इसी नारे को आगे ले जाते हुए छात्र संसद कई सालों से प्रयास कर रहा है कि युवाओं को कहीं ना कहीं डेवलप किया जाए और उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ना कि कोई एजेंडा के लिए। और इस छात्र संसद में 15,000 युवा मिलके 3 रेजोल्यूशंस पास करेंगे, जो रेजोल्यूशंस स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और अन्य कई पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद रहने वाली लिस्ट में 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी है, दी फॉर्मर गवर्नर ऑफ पांडिचेरी किरण बेदी मैम है, रजनीश मूवमेंट के स्पोक पर्सन मानन शीला है, शकुन बत्रा, प्रकाश बेलेवाड़ी और ऐसे अन्य कई स्पीकर्स आके युवाओं के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और हम एक ही बात जानते हैं और एक ही बात मानते हैं, अगर युवाओं के लिए कुछ करना है तो कुछ क्रिएटिव वे में करना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जब वो घर जाए तो कुछ वापस लेके जाए, और यही करने का प्रयास छात्र संसद की टीम ने ये किया है और हमेशा करते आएगी। धन्यवाद। इन रेजोल्यूशंस के बारे में बात की जाएगी और उस पर वोट किया जाएगा, जिसमें एवरेज एज ऑफ अ पॉलिटिकल कैंडिडेट सबसे पहला हमारा रेजोल्यूशन है। दूसरा रेजोल्यूशन, जब हम फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे देश में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे डेवलपिंग कंट्री से ये देश डेवलप्ड कंट्री बने। और तीसरा रेजोल्यूशन ये होगा कि किस तरीके से युवा अपनी सोच रखते हैं हिस्ट्री को लेके, और ऐसी क्या क्या समस्याएं उन्हें लगती है पास्ट की जिससे ये देश अभी तक डेवलप नहीं बना। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।